इस वक्त हम दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में मौजूद है। ये वही इलाका है जहां पर उपद्रवियों ने कल गोकुलपुरी की टायर मार्केट को आग के हवाले कर दिया था। आज एक बार फिर उपद्रवियों ने उसी टायर मार्केट को अपना निशाना बनाया है। सुबह 11 बजे के आसपास बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सुबह इस टायर मार्केट में पहुंचे और वहां पर जो दुकानें थी उनको आग के हवाले कर दिया। काफ़ी संख्या में लोग जो है अभी जो नगरी का इलाका है वहाँ से जो है इस मार्केट की तरफ उन लोगों ने कूच किया है। भारी संख्या में लोग मौजूद है। आगे मैं आपको थोड़ा और तस्वीरों में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में काला धुआं जो है वो आसमान में नज़र आ रहा है। तो भयंकर आग जो है आज इस मार्केट में लगाई गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्केट के ठीक बगल में ही दो पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस सुबह से यहाँ से नदारद नज़र आ रही है और अभी भी पुलिस का कोई खास इंतजाम यहाँ पर नहीं है। अभी जो भीड़ जाफराबाद की तरफ कूच की है उस भीड़ में सैकड़ों लोग शामिल हैं जिनके हाथों में डंडे हैं, रोड है और बहुत सारे लोगों के हाथों में हमने पत्थर देखे और ये सब लोग जाफराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि जाफराबाद में आज कोई बड़ा बवाल हो सकता है। बड़े बवाल की आशंका जाफराबाद में की जा रही है। उधर तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे हो तो जो उपद्रवी है वो सड़कों के बीचों बीच आ गया है और उन्होंने वहाँ पर रोड को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है। हालांकि ये वाला रोड जरूर खुला हुआ है, लेकिन अगर आप मेरे लेफ्ट साइड वाला रोड देखेंगे तो वहाँ पर भारी संख्या में उपद्रवी मौजूद है और ये लोग अब जाफराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। जाफराबाद पे भी जो है वो तनाव लगातार बना हुआ है। आप यहाँ देखिए कि कितनी भीषण आग है, उसका अंदाज़ा धुएं के गुब्बार से लगाया जा सकता है। आगे का जो सारा इलाका है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि धुएं की काली छाया में ढक चुका है। इस तरफ भी भारी संख्या में लोग मौजूद है और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुलिस को यहाँ पहुँचने में आधे घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगा, जबकि यहाँ से महज 20 कदमों की दूरी पर दो पुलिस स्टेशन है। एक और पुलिस स्टेशन यहाँ ज्योति नगर का जो इलाका है वहाँ पर पड़ता है। तो हालात जो है दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में लगातार बिगड़ रहे हैं। तीसरे दिन लगातार नागरिकता संशोधन बिल को लेकर इस हिस्से में बवाल जारी है और अभी फिलहाल यही लग रहा है कि ये बवाल फिलहाल थमता नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।